हम सरकार को ये कह रहे कि जो लोगों के यूज के लिए चीज होनी चाहिए थी, जो लोगों के प्रयोग के लिए चीज होनी चाहिए थी, उस जगह को आप तहस नहस कर रहे हो, उस जगह को आप बर्बाद कर रहे हो। ये अनडिटरमाइंड लैंड है, इसको बेचा नहीं जा सकता। इसको बेचना एक अपने आप में अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मेरे शहर को लूटने से बचाओ। जो काम इस सरकार का है, जो काम विपक्ष का है, उसमें हम आम आदमी अंसल के लोग, हम लोग, हम आम आदमी सर खपा रहे हैं। ये काम आपको देखना चाहिए था। एमपी साहब नजर ठीक है उनकी है? आपको ज्यादा बताओ, मेरे ख्याल में चश्मा तो लगाती नहीं, अगर लगाते तो अखबार जरूर पढ़ते। इतना बड़ा मामला चल रहा है शहर में, उसको पता नहीं एमपी को? ये लोग तो जोगेंद्र स्वामी को कहता है तो ब्लैकमेलर है, ये तो लूट के चलेगा। जोगेंद्र स्वामी जिस दिन ब्लैकमेलर हो गया, अंदर जेल में मेरी खाट पड़ी पाओगी, जेल में पाऊंगा बेटा। मिस्टर अमित गुम्बर, सनोब श्री सुरेश कुमार, ये यूडी है। इस यूडी को डीटीपी पानीपत, डीटीपी हेडक्वार्टर, अंसल मैनेजर, अंसल मालिक और आरडब्ल्यूए प्रधान सुरेश गुम्बर मिलकर बेच रहे। विधायक जी से बात करी कि भाई इसका नुकसान हमारी कॉलोनी को हो रहा है, क्योंकि वो मेंटेनेंस बढ़वा रहा है, सर्विसेज घटवा रहा है, अपना बेनिफिट हो रहा है। तो एमएलए साहब ने बोल दिया इसमें इलीगल क्या है, उनकी जमीन बेच सकते, कोई भी ले सकता है। ये अंसल मैनेजमेंट के गुर्गे हैं, मतलब अंसल मैनेजमेंट और ये मिलकर अब इस कॉलोनी को लूट रहे हैं। वैसे पानीपत देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, दिखा रहे हैं आपको एंसल एपीआई के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन जो लिखा हुआ है, यूडी लैंड टैक्सी स्टैंड सरकारी गौर की हुई रजिस्ट्रियां रद्द हो और इस घोटाले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों, अंसल मालिक, मैनेजर और भू माफियों पर आपराधिक मामले दर्ज हों, ऐसे नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि भू माफिया पानीपत में काफ़ी सालों से सक्रिय हैं और उनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं कचरा। मेरे साथ जनआवाज सोसाइटी के अध्यक्ष जोगेंद्र स्वामी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या जरूरत है जी धरना प्रदर्शन करने की? कुलवंत जी, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, सारे मेरे अंसल के साथी हैं, मेरी टीम के सदस्य हैं, अंसल के लोग भी आए बैठे आज काफ़ी संख्या में। हमारा धरना प्रदर्शन करने की यह जरूरत है कि एक यूडी लैंड है, यूडी लैंड उसका मतलब होता है अनडिटरमाइंड लैंड। वो भूमि जिसको बेचा नहीं जा सकता, अंसल ने उसको खरीदा नहीं, किसान ने बेचा नहीं, उस भूमि को अंसल बेच रही है। अगर वो भूमि प्लानिंग की होती, उस भूमि में घर बनने होते, तो जब यह कॉलोनी कटी, जब अंसल कटी, उसी में प्लानिंग हो जाती। आपके पास ये तो ऐसा काम हो गया कुलवंत जी, मैंने आपका घर बेच दिया, मालिक कहा पर मैं बेच गया, तो मेरे ऊपर क्या होगा? वही काम ये सरकार ने इनके ऊपर करना है। हम सरकार को ये कह रहे कि जो लोगों के यूज के लिए चीज होनी चाहिए थी, जो लोगों के प्रयोग के लिए चीज होनी चाहिए थी, उस जगह को आप तहस नहस कर रहे हो, उस जगह को आप बर्बाद कर रहे हो। ये आम जनता की जरूरत है। ये अंसल वाले चीख रहे हैं कि हमारे सरकारी गौर बेच दिए, डीटीपी पानीपत, डीटीपी हेडक्वार्टर बबीता गुप्ता चंडीगढ़, 3 साल हो गए मुझे ये जानने के लिए यूडी क्या है। मैंने इनसे पूछा, अशोक गर्ग जी थे उस टाइम, मैंने उनसे पूछा जी यूडी बेच सकते हैं? कह रहे अंसल मालिक बेच सकता है। मगर जी लिख के दो, कर लिख के नहीं देता, पता कर लो, पहले पता कर लो, मेरे को नहीं पता। जिस अधिकारी को यह नहीं पता यूडी है क्या, वो किस लिए दफ्तर में बैठे हैं? ये बात लेके मैं डीटीपी हेडक्वार्टर बबीता गुप्ता के पास गया, 3 साल लग गए इस सीढ़ियाँ चढ़ने में। पानीपत में आरटीआई लगाई, जवाब नहीं। फिर रोहतक गया, एडमिनिस्ट्रेटर को लगाई, जवाब नहीं। फिर चंडीगढ़ गया आयोग में, 6 महीने हुआ मेरी डेट। 3 साल में मेरे को उस एक एटीपी था, उसने बताया चुपचाप कान में कि इस जमीन को बेच नहीं सकते, ये अनडिटरमाइंड लैंड है, इसको बेचा नहीं जा सकता। इसको बेचना एक अपने आप में अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, आप शिकायत दो। हमने धरना दिया, ज्ञापन दिया, सॉरी ज्ञापन, 26 अगस्त को आप भी आए थे, ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इन लोगों ने
मानक हाँ है, इन्होंने फिर कैसे वो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की लिख दी यूडी मालिकों के खिलाफ। तो हमारी ये है आज सारे लोग अंसल और हम सब मिलके इसी बात में आया जाए, तो इसी चीज़ को लेके आए कि भाई मेरे शहर को लूटने से बचाओ, जो काम इस सरकार का है जो काम विपक्ष का है उसमें हम आम आदमी अंसल के लोग हम आम आदमी सर खपा रहे हैं, ये काम आपको देखना चाहिए था, इसके ऊपर कार्रवाई कराओ। इस पर कार्रवाई नहीं होती 30 सितंबर को हम चंडीगढ़ DTP हेडक्वार्टर के बाहर धरना देंगे। आपके MP साहब के पास शिकायत नहीं भेजी आपने ये लिख के? MP साहब नज़र ठीक है उनकी है? आपको ज़्यादा पता हो। मेरे ख्याल में चश्मा तो लगाती नहीं, अगर लगाते हैं तो अखबार जरूर पढ़ते हैं। इतना बड़ा मामला चल रहा है शहर में, उसको पता नहीं MP को? ये लोग तो जोगेंद्र स्वामी को कहते हैं तो ब्लैकमेलर है, ये तो लूट के चलेगा। जोगेंद्र स्वामी जिस दिन ब्लैकमेलर हो गया अंदर जेल में मेरी खाट पड़ी पाओगी, जेल में पाऊंगा बेटा। जोगेंद्र स्वामी शुरू से बचपन से इस लड़ाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा, ये मेरे साथ जो मर्जी करा ले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं, हम जब ये हमारे अंचल के प्रधान की UD की रजिस्ट्री हमारे नॉलेज में आई तो हमने जाकर MLA साहब से बात करी थी कि भाई ये UD मतलब क्यों मिली है, क्योंकि प्रधान को उन्होंने खरीद लिया और जिसके बदले में UD की 5,000 रुपये की लैंड उसको दे के और उसने आगे सौदा कर दिया हमारे किसी जानने वाले आदमी को 30,000 रुपये में, और 30,000 रुपये में सौदा ले कर उसने हमारे को बताया कि भाई ये ज़मीन ले रहे हैं ठीक है गलत है, तो ये भांडा फूटा। अदरवाइज हमें ये पता भी नहीं लगना था कि ये 5,000 रुपये की UD खरीद कर 30,000 में बेची जा रही है। प्रधान की सेटिंग होगी क्या? ये प्रधान की सेटिंग थी। कौन से वाले? लो। अब आप मेरी तरफ ये सामने रजिस्ट्री में देख लो नाम बताओ। मेरी तरफ लिया दुरुबीन बताओ। ये लो, ये रजिस्ट्री में नाम देख लो आप किसका। मिस्टर अमित गुम्बर, सनोब श्री सुरेश कुमार, ये UD है। इस UD को DTP पानीपत, DTP हेडक्वार्टर, अंसल मैनेजर, अंसल मालिक और RWA प्रधान सुरेश गुम्बर मिलकर बेच रहे हैं। और पूछो। अच्छा, और जब हमने जाके विधायक जी से बात करी कि भाई इसका नुकसान हमारी कॉलोनी को हो रहा है क्योंकि वो मेंटेनेंस बढ़वा रहा है, सर्विसेज घटवा रहा है, अपना बेनिफिट हो रहा है, तो MLA साहब ने ये बोल दिया इसमें इलीगल क्या है, उनकी ज़मीन बेच सकते, कोई भी ले सकता है। तो हमने कहा भाई अगर आप भी लोगे, आप जनप्रतिनिधि हो, अगर जनप्रतिनिधि होने के बाद आप ले रहे हो तो आप नहीं ले सकते, आम पब्लिक कोई ले ले वो अपने आप भुगतेगा, ये प्रधान होकर इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है। फायदा हो गया फिर उसको तो प्रधान बनने का। बहुत बड़ा फायदा। वो तो जब पूरा लॉकडाउन में सब बिजनेस ठप पड़े थे तब उसकी फैक्ट्री बहुत धड़ल्ले से चल रही थी, ये वो बता रहा है कि मैंने बराबर की कोठी पर 2 करोड़ की खरीद ली। अच्छा, इसलिए दो प्रधान हो गए, दूसरे वाले को फायदा हुआ, तीन हो गए, इसी चक्कर में हो गए क्या? बस मतलब ये तो ये अंसल मैनेजमेंट के गुर्गे हैं, मतलब अंसल मैनेजमेंट और ये मिलकर अब इस कॉलोनी को लूट रहे हैं, दूसरे तो साइलेंट हैं। अब यही है, मैं भी प्रधान बना था, मेरे को भी इन्होंने बोला था, जो उनका वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कहा था कि छिल्लर साहब हम अकेले में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने उनको यही जवाब दिया था भाई अकेले वे वाले व्यापारी चले गए, मेरे साथ तो मीटिंग सबके बीच में होगी। बन जाते फिर अपनी भी सेटिंग कर। हाँ, बस यूँ लगा लो अपनी अपनी आत्मा की बात है, रहना सबका यही रह जाता है सब कुछ, तो समाज में अगर आदमी की इज्जत ना रही तो फिर क्या फायदा हुआ। हाँ, अब फिर जैसे अकालियां पक रहे हैं उनको, मेरे को तो हमारी एक मांग है इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। हमने जो आज वो दिया है इसके सुरेश गुम्बर पे या उससे भूमा पे? नहीं नहीं नहीं, अकेला सुरेश गुम्बर नहीं, इसके अंदर सैकड़ों करोड़ के घोटाले की CBI से जाँच करवाई जाए, इसमें शामिल तत्कालीन DTP पानीपत, DTP हेडक्वार्टर चंडीगढ़, अंसल मालिक मैनेजर, RWA प्रधान, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों, फर्जी तरीके से की गई सभी रजिस्ट्रियाँ रद्द हों, अवैध तरीके से बनाए गए भवनों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए, ये हमने प्रस्ताव करके यहाँ से उठे हैं। चलिए, जोगेंद्र स्वामी और दूसरे साथी हमारे साथ थे, बड़ी बात यह है कि अंसल को लेकर आज ये हंगामा कर रहे हैं और ये DTP का ऑफिस है यहाँ पर, और DTP के खिलाफ इनकी जो है आज आवाज़ बुलंद हुई है, और बड़ी बात यह है कि UD लैंड जो बता रहे थे कि UD लैंड को लेकर हंगामा बरपा है, और कुछ
प्रधान जो हैं अंसल के एपीआई के, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने सेटिंग करके ये मामला जो है और आगे लेकर आए हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि भू माफियाओं का खेल जो है हरियाणा में आप लोगों को पता है वो चल रहा है, लेकिन जब अधिकारी इस मामले में साथ लगते हैं तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।